नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है बुधवार, मतलब आज बुध का जबरदस्त प्रभाव है। दूसरा, अंकों के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से यदि हम देखने जाएं तो आज राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि आज 4 तारीख है। जो 4 का अंक है ये राहु से जुड़ा हुआ है। यदि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप कुसंगत में पड़ गए हैं, नशा आप कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में फंस गया है, गलत आदतों का शिकार हो गया है, घर में पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं, पैसे कई बार तो आते ही नहीं है और आएंगे तो पीछे पीछे, जैसे कोई रोग, कोई बीमारी, कोई ना कोई ऐसी उलझन कि पैसे घर से चले जाते हैं। कई बार पैसे आएंगे लेकिन आप उन चीजों को खरीद लेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, बाद में सोचेंगे कि ये खरीदी हमने बिना वजह कर ली है ना। जब राहु आपको परेशान करेगा दोस्तों, तो आपकी बुद्धि पर बहुत जबरदस्त बुरी असर होगी, सही निर्णय शक्ति नहीं आएगी, लोगों के बहकावे में आप बहक जाएंगे, गलत रास्ते पर चढ़ जाएंगे, कुसंगत पर चढ़ जाएंगे, बिना मतलब का ढोंग और दिखावा करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आज क्योंकि 4 तारीख है और बुधवार है, आप एक छोटा सा काम करें। अभी आपने देखा होगा मार्केट में फालसा बहुत बिक रहे हैं, आप बुधवार के दिन और रविवार के दिन फालसा खाना शुरू कर दें। वैसे भी दोस्तों, कलयुग है ये, कलयुग में फालसा खाने वाला व्यक्ति हमेशा पैसों में खेलता है। स्पेशल इन 2 दिनों में आप फालसा खरीद करके लाएं। ला करके पहले तो आप कोशिश करें जो आपके घर का नैऋत्य कोना है, क्योंकि नैऋत्य कोने में दोस्तों राहु का वास है, फालसे को नैऋत्य कोने में रखें, उसके बाद आप उसका यूज करें। और 4 फालसे तो आप घर के नैऋत्य कोने में रख ही दें। राहु यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गया दोस्तों, आप पैसों में खेलें। आप देखना कई लोगों को, अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर्स, मैं खुद कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर हो गए हैं। बिल्डरों के पास पैसे बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको लगेगा कि वो हुए तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, इसके पास 1 करोड़ अब्जों रुपए इकट्ठे कैसे आते हैं? राहु मेहरबान है, कहीं ना कहीं वो राहु से जुड़ी हुई चीजों को खाता है, कहीं ना कहीं उसके घर में नैऋत्य कोने में राहु की कोई ना कोई चीज रखी हुई है जो राहु को प्रसन्न कर रही है। घर में कोई ना कोई ऐसा उपाय हो रहा है जो राहु को प्रसन्न कर रहा है। आप देखिए धीरे धीरे यही कहेंगे कि तो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, लक्ष्मी इसके पास आ कैसे रही है? पर ये कलयुग है दोस्तों, कई ऐसे मूर्ख हैं जो पैसों में खेल रहे हैं। और कई दोस्तों अच्छे अच्छे पंडित हैं जो लोगों के घर में भीख मांग रहे हैं, जो ज्ञानी हैं लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, जो अच्छे हैं सज्जन हैं उनकी वैल्यू नहीं है। आज दम भी और झूठ बोलने वालों की, पैसों का देखड़ा करने वाले लोगों की बहुत इज्जत है, क्योंकि राहु प्रधान समय है, ये कलयुग है। तो फालसा दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, वैसे उपाय तो राहु को प्रसन्न करने के हजारों हैं, लाखों हैं, पर फालसा बहुत आसान है इस समय, क्योंकि फालसा मैं भी देखती हूँ मार्केट में हर जगह फालसा बिक रहे हैं, तो आप भी लाएं और खाएं। राहु पर इसकी जबरदस्त इफेक्ट होगी, खा करके देखें। जय श्री कृष्ण।